नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देशभर में केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच अब आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से टीम ने 4 करोड़ रुपए और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसी के हत्थे कई बड़े कारोबारी और चढ़ गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नोटों के बंडल की ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। इन नोटों को रियल एस्टेट कारोबारी की खुफिया तिजोरी से इनकम टैक्स ने बरामद किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की। रियल एस्टेट कारोबारी टीनू संघवी से जुड़े 8 कारोबारियों के खिलाफ पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू की थी। इसी कड़ी में टीनू संघवी से जुड़ी हुई अलका बसानी और उनके पति राजेंद्र बसानी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। अलका बसानी और राजेंद्र बसानी का एक बंगला यशवंत कॉलोनी में मौजूद था, वहाँ पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुँची। जाँच पड़ताल के दौरान टीम को अलका बसानी के बंगले से गुप्त तरीके से एक लॉकर मिला। अब उसको खोलकर देखा गया तो उसमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए के आसपास बरामद हुआ। साथ ही कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कई अहम तरह के एविडेंस भी आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। वहीं पूरे मामले में पिछले 2 दिनों से आयकर विभाग की टीम ने अलका बसानी और राजेंद्र बसानी के बंगले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जिस बंगले में आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल करने में पहुंची है, वो बंगला करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। इसी के साथ पिछले काफी दिनों से अलका बसानी और राजेंद्र बसानी के बारे में आयकर विभाग को सूचना मिल रही थी और उसी के तहत इस पूरी कार्रवाई को टीम ने अंजाम दिया। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कुछ और बड़े खुलासे आयकर विभाग कर सकता है। वहीं जहां 4 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद होने की जानकारी अभी तक सामने आई है, तो ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और हीरे के आभूषण भी आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। इनको लेकर भी आयकर विभाग दोनों से पूछताछ करने में जुटा है। वहीं परिवार के सदस्यों की संपत्ति के बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग की जांच का दायरा और बढ़ सकता है और कई कारोबारी जांच एजेंसी की रडार पर आ सकते हैं। तो इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी के घर ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां से आयकर विभाग को ना सिर्फ 4 करोड़ कैश बल्कि हीरे सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कारोबारी की करोड़ों की कई संपत्तियों को भी जब्त किया गया है, जिसको लेकर कारोबारी के घर वालों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जल्द बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।